So, people, am I visible to you? Hi, people, this is Bhavna, your must teacher of physics at grade 9 and then with Anto English channel. And today we are going to do a rocking, rocking. एज इट इज आई ऑलवेज से कि हमेशा एक रॉकिंग सेशन करते हैं बट दैट इज नॉट फॉल्स राइट यू रॉकिंग पीपल कम टू द सेशन एंड वी ऑलवेज हैव सम फन एंड सम लर्निंग आउट दैट सो बन गया ना रॉकिंग सेशन राइट सो पीपल टूडे ऑल्सो वी हैव अ वेरी वेरी नाइस टॉपिक एंड अ नाइस स्टोरी वेटिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ वर्क एंड एनर्जी से कैनेटिक एनर्जी so we will be understanding what is this किट्टू ओ यस यू रिमेंबर वर्क एंड एनर्जी का बच्चा बेटा है ये राइट तो इज द सन ऑफ वर्क एंड एनर्जी बट गया तो मम्मी पे ही है पूरा एनर्जी एंड किट्टू इज अ वेरी नोटोरियस चाइल्ड सो ही ऑलवेज कीट इज दिस what is this kinetic energy we are going to do in today's class right people and as i always say and as i always tell you ma'am is there a mentee if i am live then definitely there is a mentee you don't have to worry about it okay people so shall we start hey tejas abhi se choti ho jao नहीं नहीं अभी से छोटी हो जाऊँ क्यों भाई मेरे को तो बड़ा ही रहना है मैं क्यों छोटी हूँ वैसे दिस इज अ वेरी कूल थिंग क्या हम छोटे हो सकते नहीं हो सकता तेजस तो मैं तो नहीं हो रही सो पीपल बिफोर गोइंग फॉरवर्ड बिफोर स्टार्टिंग विद द मेंटी एंड एंडिंग विद द बैंड दैट इज द मेंटी लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वेयर और वेयर वी हैव रीच एंड व्हाट वी हैव डन सो टुडे वी आर गोइंग टू नो किट्टू सो हाउ आर यू किट्टू कैसा बच्चा Kitu says, I am very notorious. Catch me if you can. So let's see what is so cool about Kitu that he is challenging Bhavna Mamki. ki. Catch me if you can. That is what we are going to do today. But what we have done already, we should never forget where we are coming from so that we can connect the dots later on and then we will know exactly our path. So we have understood what is work and the difference between work and hard work. So Abhishek, uncle, right? अभिषेक अंकल ने बताया था हमें कि बच्चा दो यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क स्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स बट फॉर फिजिक्स यू ओनली डू वर्क वेन देर आर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट टू इन द सेम डायरेक्शन अदरवाइज नो वर्क डन देन वी गॉट टू नो द टाइप्स ऑफ वर्क पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो चार्ट बॉक्स मी वॉट इज द फॉर्मुला ऑफ दिस

मैम अभी मेरे घर से थोड़ी दूर बहुत ज्यादा तेज बिजली चमकी बाप रे बाप जान की सीरियस इट इज सीरियस ओ माय गुडनेस ओके प्रियल नहीं अभिषेक सर नहीं सो माय स्माइल टेल्स यू एवरीथिंग नहीं अभिषेक सर नहीं हो पाएगा सो पीपल वी हैव स्टार्टेड विद एनर्जी इन वन ऑफ द्लास वे आर वी गॉट टू नो दैट एनर्जी एंड वर्क आर सो क्लोजली रिलेटेड दैट वी कैन एक्चुअली टेक दम एज हजबाइफ एंड एज बाप ने मैम लव मैच मेकिंग शादी भी करा दी शादी हो गई तो बच्चे भी होने थे सो वंस एनर्जी वॉज अंडर आर थिंग दैट वॉट इज एनर्जी इट इज द केपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क दे गॉट टू किड्स two little munchkins one is called pinky that is the potential energy and another one is called k2 that is the kinetic energy so we have met pinky in the last class right what was the pinky all about ideally i have given you a homework how many of you have done this homework what was pinky all about so pinky was all about the energy possessed due to position or due to configuration so, you guys have to tell me out of all this, both of these, which one refers to gravitational potential energy? And how many people have done this? Navya have given us the correct answer: the energy stored in an object when it is taken in the direction against the gravitational force. So gravity wants ki a gale or I'm nahi nahi stay stay away.

दिस इज ऑल्सो वेरी स्वीट थैंक यू वेरी मच ए के आर आरमी एंड गौतम ऑल्सो हैज गिवन अज द राइट आंसर ये दोनों आंसर एकदम सेम है तो टीचर्स आर वेरी स्मार्ट दे गेट टू नो गूगल बाबा की जय बट दे हैव पुट इन दफर्ट टू इवन रिसर्च फॉर दिस दैट इज गुड इन अफ सो आई एम नॉट सेट गो एंड डू एवरीथिंग ऑन योर ओन लर्न टू डू इट ऑन यूर ओन बट ऑन द वे You can always take help and no worries. So these are my rock stars of the last class. Very, very well done, Bachapadi. Let's see the Menti winner. So Sneha Da ne last, second last ball pe Chakka mara tha. She was on the third position and she suddenly came to the first position. And then in the last question, she took care of her position. And that's what Menti is. It's a very wonderful cricket match. Last over me, super over me. You don't know who is going to be on the top and who is not going to be there. Right? So no worries, be ready. Today also we have a recall mentee. But before going to the recall yard, you guys have given me the form the what do you mean by gravitational potential energy? Can you also tell me the formula of gravitational potential energy? Can you also tell me the formula of gravitational potential energy, people? Come on. Okay, Priya, no worries, bache. Come on, Jaldi, quickly. चलो वी विल सी अनुभव शर्मा वी कैन डू दिसवेरी गुड माई बचा पार्टी आर वेरी वेरी गुड सो पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट सो इफ अ बॉडी इज टेकन टू अट एच फ्रॉम दी ग्राउंड ऑफ माज मास बी इट्स वेट द फोर्स ड्यू टू विच

Bet, 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 bet. So bete, uh, पहले मुझे चेक करना क्या मेरे पास अनुभाज़ यार हो ऐसे तो बहुत बुरी बात है कॉल नहीं करा क्या बच गई अनुभा मैम ओ ओ वेट आई जस्ट लुक फॉर हिस्स नंबर इफ आई फाइंड हर नंबर तो मैं डेफिनेटली उनको कॉल कर दूंगी नो वरीज एट ऑल बट आई एम नाउ लुकिंग एट द नंबर इज देयर और नॉट सो कहा मिलेगा मुझे उनका नंबर कहा मिलेगा कहा मिलेगा इस ग्रुप में मिलेगा Anubha ma'am, are you there? Anubha ma'am, no, yar, I'm not able to find her. तो अनुभा मैम को मैं कॉल ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास उनका नंबर नहीं है किसी के पास है तो मुझे फॉरवर्ड कर दो कौन अनुभा मैम नो 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 बेबी आई डोंट हैव चलो शिल्पी मैम इज देन ठीक है इफ आई डोंट गेट अनुभा मैम नंबर तो शिल्पी मैम की बेट रही तो अगर मैं हारी तो आई कॉल शिल्पी मैम अगर आप हारे तो आप शिल्पी मैम को जाके बोलोगे भावना मैम मिसेज यू ठीक है यू विल जस्ट पुट इन हर चैट भावना मैम मिसेज यू ठीक है बच्चे ठीक है ठीक है बच्चा बाटी ओके फाइन तो बेट है कितना परसेंट का बेट लगाना चाहोगे कितना परसेंट का बेट लगाना चाहोगे नहीं, नहीं, कोई ब्लैक होल में नहीं फेंक रहे नो दिस विल नॉट गो सोनी नो सिक्सटीज इन सिक्समीजनेबल लिखा है क्षी वन परसेंट हाँ हाँ भाव तो करो थोड़ा बिल्कुल भाव नहीं सिक्सटी फाइव भाव करके है लेना है तो लो वरना मत लो छोड़ दो बहुत महंगी है नो <laughs> no, भरत नो no. भरत यू योर आउट ऑफ द बेट देन आई नॉट डू वॉट भरत सेज ठीक है So Sakshi is there, Shravati is saying, okay, okay. So people, 65% is the is the target. If you win in each of the question, you get more than 65%, fine. Shilpi ma'am, you don't talk to Or if you win, I win, then you are going to go to Shilpi ma'am's session and going to spam that Bhavna ma'am misses you. Okay?

मैम यू अवॉइड अमृतसर आई अवॉइड अमृतसर आई अवॉइड ए के आर सर भावना मैम की स्पेगेटी बनाएंगे ब्लैक होल में भेजकर हाँ हाँ खाने कौन आएगा खाने भी तो वहीं आना पड़ेगा ना ये बुल बसार क्या है मैम यू आर द बेस्ट सो स्वीट बेबी टेडू इज आल्सो हियर

as funny names as you can pick 3 2 1 go let's see 75319539 nine, nine. how many people are joining in how many people are joining this come on come on come on come on come on 26 people have joined in come on come on come on that's me khai ke pan wala teddy is op sahi hai teddy ba pro laga dala to life jingle true very true besharam logo ko nahi aati

Shall we? 36 people have already joined in. I don't know how many people have joined it with multiple devices. I can't see number of likes. Come on, yaar. Yeah, increase the number of likes. So, I'm going to give you 10 more seconds to go. Okay, I'm looking for as funny as the leaderboard names as you can. So, in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... टू एंड वन माई गुडनेस यू का चार्ट पढ़ते पढ़ते ना पेट में दर्द हो जाए चलो लेट गो फर्स्ट क्वेश्चन बॉडी इज लिफ्टेड ट्रू दाइट एच द वर्क डन ऑन इट अपियर्स फ्रॉम ऑफ एच फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी केमिकल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी सो देर आर फोर थिंग्स है प्लीज लुक फॉर द राइट आंसर टेडी की पिटाई करो मैम मत, शादी करवा देंगे क्यों भाई शर्माने का मतलब सिर्फ शादी होता है आई नेवर न्यू दिस आई नेवर न्यू दिस मैम अगर हम जीते तो आप शिल्पी मैम से पूछोगे कि शादी कब करोगे ठीक है मैम कमोन अमेजिंग क्या ही बात करे आपसे है this is what it is 32 people out of 38 have gotten it right and it is 84% oh 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 so first question itself you guys have made it clear ki ma'am hum to nahi haarne wale that is very 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 good cool ma'am what is geothermal energy so bachche the earth also has a thermal energy inside it you know the core is, core is super heated So sometimes this energy comes out in form of geysers, in form of even volcanic energy. So inside the earth the temperature is super high, and we can sometimes use it to produce electricity as well. So that is geothermal energy. Let's go to see who are on the leaderboard and what are the four funniest names out there. बहुत पिटाई करूंगी मैं नैतिक तेरी बहुत पिटाई करूंगी नहीं आ रही मैं बिल्कुल नहीं आ रही मैं सो सकुरा इज ऑन द टॉप वेरी कूल वेरी गुड इट्स एम्ब्रियल ऑन सेकंड नोबडी चेंज द नेम नैतिक भावना आंटी चेक इंस्टा डीएम मतलब यू मैसेज करोगे तुम आंटी बोल के गए तुम बेटा गए अब तो मैं तुम्हें जो मुझे आंटी बोलेगा वो अंकल सो so, नैतिक अंकल ओके देन इट इज शिल्पी मैम का हाथ

ये एक यार अंकल यस यस ऐसे प्रूफ तो छोड़ने नहीं चाहिए Then it is, हम आपके दिल में रहते हैं हाय ये बहुत ही क्यूट है आदर्श प्रियम सोनू सो आदर्श प्रियम की याद आ रही है आने तो दो उसको जिंदगी में देन इट इज दिव्यांश सुपर कूल सुपर कूल ग्रेट गोइंग बट आई वॉन्टेड टू सी मोर फनी नेम्स कहाँ गए आप सारी क्रिएटिविटी कहाँ चली गई वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल

this is like a k r who is this so you are uncle who so ever is saying you are aunty you are uncle gravitation potential energy पक्का सोच लो बेटा 65% चाहिए in 3 into and in 1 time is up 28 p1 oosh shit Just by 2%, just by 2%, you guys got it. Very well done. Very, very well done. But the cool thing is there, you just won by 2%. Both close and neck to neck. Or 65 above in all the question Okay, so out of 42, 28 people have got it right. That is 67%. Koi bati, koi Oh, you have a crush on AKR, sir. So cute. So cute. स बच्चे ऐसे करके पूछना होता है मे आई गो टू द बाथरूम एट नेवर यूज टू गेट एट टू थिंग्स इन द स्कूल लाइफ वन थिंग जैसे टीचर क्लास में आती है गुड मॉर्निंग मैडम आई फील लाइक वे आर इन अंगिंग कॉम्पिटिशन एंड हाउ वेल वी कैन सिंग इट इज द एंड सेकंड थिंग ऑलवेज पुटिंग दीज टू फिंगर मैम मे आई गो टू द वॉशरूम और आई एल जस्ट पोक यू Like this, I don't know why, but this is so cool. Let's go to the next question, people, and let's see whether we can do it right or wrong. So, Ambriel is on the top, Nethic Uncle is on second, and then it's Shilpi Ma'am का हाथ नीचे चला गया है। भारत पानी बोतल सी पिलाया, पिलपिया, what is this? पियार ना होटल पानी बोतले शिल्पी आया ना होते व्हाट इज दिस यार भरत व्हाट इज दिस आई डिडंट गेट योर नेम एट ऑल एट ऑल शिल्पी मैम का हाथ धुर ऐसे करके मुझे नजर आ रहा है आप देन इट्स किट्टू हाय बुआ शो स्वीट यार शो स्वीट इट इज दिव्याश देन इट इज आइंस्टाइन वाइफ वेरी कूल वेरी कूल इट्स मिस्टर शिवम आई फीलिंग आई देन इट इज आपको बड़ा सा पंखा

बेटा so so का, का नाम किट्टू रखना है चलो देखेंगे okay, so राइट वन क्या रसौड़े में कौन थी कोई तो बहन थी कोई तो अरे बाबा रे थर्टी आ रे वाह

just kidding okay so people let's see the leaderboard before going to today's concept and today's mentee what does the leaderboard says to us embryal is on the top then it is netik uncle then it is kitu i boy kitu then it is saint elmo then it is ad pro laga dala to live jingle lala ad pro kon hai ad pro kon hai who is this ad pro ad ad who is this ad people

it may possess an energy which is potential energy and when the body starts moving changu said this time so definitely an energy should be there but he said that this should be potential energy so the same energy which is there stored can only be used now. so he said even when bhavna ma'am started moving in the car this should be potential energy now people tell me who will come in and make changu understand that this is not potential energy potential energy is only due to the position but when a body starts moving which energy it becomes the sibling of pinky that is Kitu and who got this into his head let me make this let me try to make this who this is can you guess who this is can you guess who's this this come on people can you guess who's this this

She possessed potential energy, very correct. But when she came into motion, the energy did not remain to be potential, it became Kitu, that is kinetic energy. Now, people, this is so simple to understand that when we talk about the two siblings of the daughter and the son of energy, the two siblings are Pinky and Kitu, right? So, who's Pinky and who's Kitu? Pinky is my potential energy, and Kitu is my kinetic energy. Now, both of these are siblings. Siblings, right? And how are siblings? How are you with your brother and sister? Quickly tell me in the chat panel. How are you in the as with your brother and sister? So I will tell you about my brother and sister relationship. If I am this, and this is my big bro, right?

I'll say it is only my right, stay away. So I know and you know that siblings do fight all the time. <laughs> but they are the best of friends out there. Same happens with Kitu and Pinky. So what do you mean by that? I mean by that they always stay together. But they always stay together as fighting. So what happens? Whenever the potential energy increases, kinetic energy. I'll go on my own way. And whenever the potential energy decreases, the kinetic energy increases. So there is a very simple, I call it the seesaw relation. So you might have seen the seesaw. How does the seesaw work? It requires two people, right? So two people are playing on a seesaw. So let's say x a pinky, x side a kit 2. So when kit 2 decrease, goes, goes down, pinky goes up. When pinky goes down, kit 2 goes up. But they always stay together on the seesaw.

शेतान चौकड़ी का है कौन धमाल मचाने वाला है सो वी नो दैतान चौकड़ी मीन्स मी एंड माई ब्रदर टूगेदर राइट सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एंड कैनेटिक एनर्जी टुगेदर इज ऑल्सो कॉल्ड बाई अ नेम विच इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी सो मम्मी क्या बोलाती है वेर इज मैकेनिकल एनर्जी दैट मीन्स शी इज कॉलिंग बोथ पोटेंशियल एंड कैनेटिक टुगेदर गेटिंग इट येस और नो मैम आप जैसी बात करती हो मैंने वैसे ही नाम रखा है बट अपना मैम मुझे गंदा कहा ओ हो भरत नहीं यार बच्चे दैट इज नॉट द नेम आई एवर वॉन्ट टू सी ठीक है सो जस्ट बी फनी बट देर इज अ लाइन टू बी फनी एंड टू गो ओवर द टॉप ठीक है सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट नाइन किसी को हॉट नहीं होना चाहिए वी नो दैट वी ऑल आट लाइक ठीक है मैं भी चाहती हूँ बट वी ऑल्सो नो दैट दैट दिस इज फन वी शुड नॉट हर्ट एनी वन वी शुड नॉट गो ओवर द बाउंड्री ऑफ दैट इज द ओनली थिंग ठीक है बच्चा भरत आई होप आई मेट माइ सेल्फ क्लियर टू यू ये बच्चे श्रवणति वी विल बी कॉन्टिन्यूइंग ठीक है तेजस कोई बात नहीं आई विल बी कॉलिंग एम अंकल फॉर श्योर यू ऑल्सो हूसो एवर विल कॉल मी आंटी तेजस अंकल They just uncle. Okay, so let's see which energy is present by bodies when they move. So, whenever a body is at rest, we get to see that the energy possessed by it is potential energy. Right? And when a body starts moving, the potential energy changes. Changes into. kinetic energy so what is this kinetic energy i guess we already got this kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion and who is this who is riding the cycle in this rainy season every time my god anup sir bahut patle ho jaoge don't do this अरे, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, anup sir तो is riding a cycle all the time by the way people do you know somebody has its his birthday today

Cool with this Yes, Anup birthday is today, so that's why Anup sir has made a special entry in our session to tell us. See, I am riding the cycle day and night to make children understand what is this energy. What energy is this? This energy is called the energy which is possessed by a body by the virtue of its motion is called the kinetic energy. Now, people, you already know that in the chapter of force and laws of motion, we have understood that force. Applied on a body is directly proportional to the mass and it is also directly proportional to the velocity. Now, when I talk about work, the work is equal to force into displacement, right? Now, what is we are seeing here? Let's say the car is coming from a slope and it hit a box, it will be displaced, right? So, when a car hits a box, it will be displaced by some displacement s. But if the car comes slow, it will be displaced slower. So, in that, what? That we can infer that as my force is proportional to velocity as well as the mass. Because if we talk about the mass as well, we know greater the mass, greater will be the effect. So, here, chutku a chutkusu chuhu, chuchu chuhu of mine jump into the swimming pool, chutkusu splash. And when Bholu falls into the swimming pool, Badaasa splash, right? So, what are we inferring here? We are inferring here that as we have linked my force and my mass together, sorry, my velocity and my mass to the force, hence my work done which is equal to force into displacement will also be proportional on mass and velocity, right? So, these two quantities are going to be important. Now, what we are going to do, we are going to find the work done by a body, by an applied force and its displacement. So, what we are going to do, people, let's take a very simple expression. Okay. Let's take an example here that I have a body of mass m, right? It is applied by a force F. Let's say it was moving with velocity u. When the force F is applied, the body moved to point B and its mass changes? No mass. the same rega. Its velocity changes? Yes, its velocity definitely changes. So, when a force F is applied on a body, the body is moved. So, let's take an example here. Let's call my myc, right? This myc was going with some velocity, 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 and suddenly I hit it. It went with a greater velocity. So, it was at some velocity and it gained some velocity. That is what? Because of the application of the force. Due to this, it has also got displaced from its point. So, what we are going to find? We are going to find the derivation or the formula of kinetic energy. So, let's say a body of mass m moving with velocity u when hit by a force covers a displacement s and its velocity becomes v. Right? So, what is my work done? force into displacement what is my force mass into acceleration right what is my s now remember there were some equations of motion that were related to u v a s which is that equation which is related to u v a s come on quickly tell me then your daddy hi arundhati kaise ho papa <laughs>

Just do the same. Your work done will be mass into acceleration into displacement is v square minus u square upon a. What do you get as a formula? You finally get the work done as m into v square minus u square upon 2. Right, people? Right? So, this is what is the kinetic energy. So simple to find the derivation. Why do I find work, not energy? Because you forgot.

So, S is V square minus U square upon 2A. Got it? Half kahan se aaya? Got it, people? Yes, when the object is at rest. So, if I say I'm finding the kinetic energy of this body, when a force is applied, then what happened? The force has made it move. It was at rest initially. So, this is called half mv square is my kit 2 or my kinetic energy. So, what we got? Yes, the. Force is proportional to mass into velocity, and the kinetic energy is also proportional to mass into velocity. Now people, एक task do, ek task do. Bada task hai, Very nice task it is, and the task is you need to tell me you guys have learned something like with the relation of m and v before in the chapter of motion, force and laws of motion. So right now we have figured out your Ek, that is K2 is half mv square.

Now, if I multiply by m and divide by m, chalega? Chalega? Yes or no? Will it do? It will do now. I can do this. If I multiply and uh, divide by the same number, it says okay. Then what I am left with? Then I will get half m square v square upon m is ek. Right? I can also write as half mv square upon m is ek. Right? Look at it. It's a Jadu, So two into m into ek that is your kinetic energy is coming out to be mv square, which is nothing but p square. So what is your p equal to? Your p is equal to root of two mek. This is the relationship between your kinetic energy and the momentum. The other way around to write is is what? That your ek so I can write it in another format here. Let me just use another pen. Concept pen? Nazar Let's see green. So people, two relation I come. My ek is equal to p square upon two m. Or I can see my p is equals to root of two m ek. That means momentum and kinetic energy are close to each other. They are very close to each other. So best friends forever. Kitu ka hai? Momentum. We got it. स और नो नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं कर रही मैं उनको तो एक ही सर को तो कॉल करना ही नहीं है टोल डू ना कभी नहीं करना है उनको फोन पे भी मैंने यही डाटा था यू नेवर आंसर माई कॉल राइट तो उनको तो कॉल करना ही नहीं है सो पीपल यू गॉट दिस यस So we will be continuing with the mentee after just give me a moment before I go there. I need to tell all the people who are not yet here to know that joining Vedantu can help me in many, 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 many ways. How is it your term one is coming? Now there is a very good news coming up for you guys. For term one, we have devised a special course for all the people who may have not started yet or who want to revise it thoroughly. So do

घर बैठे बैठे वेदांतों की क्लासेस लेकर होगा सो पीपल वेदांतों पे क्लास लेने से क्या मिलता है सबसे पहले तो एकदम जितनी मर्जी क्लासेस अटेंड करो यू कैन अटेंड अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद योर फेवरेट मास्टर टीचर्स कंपीट विद स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड नॉट जस्ट इंडिया अराउंड द यूनिवर्स नहीं बोला बिकॉज आई डोंट नो एलियन स्टूडेंट्स आर येट देर आर नॉट देन यू कैन हैव रिप्लेस सो यू नेवर मिस अ क्लास Even though you have to, you still never miss a class. So, this is a kind of an added advantage over there. Plus, there are downloadable notes of your class teachers and master teachers. So, do not miss on these things because when you do this,

Uh, not just me, actually, there is one more person in there, and you have to guess that person. Two surprises are coming one and two. So be there in both the surprises, and I'm telling you, you will have fun for sure okay so if you want your surprises your fun doesn't miss do subscribe to the channel and if you're warned that your studies should always be on the top then go to the description link click on the link given in the description box choose your class choose your target exam and then get in get in and choose even your plan so it depends entirely and entirely on you what i've told you till now that your classes are there your assignment your test your doubt solving all these are there in light, classic, and plus models. But the classic and the plus comes with two advantages which are not there in the light. So the decision is entirely yours. But if you want that your doubt should be resolved even after the class, go for the classic model. If you want that your doubt case, you can get interaction with one-on-one -on -one teacher, or you want some career counseling or some guidance, go with the plus plan. So all these plan have different cost according to your

And this is actually going to make you cost for not one subject but all the subjects physics, chemistry, bio, science, social science, too, sir, and English. So, all these subjects covered in 2017 means 350 rupees each subject, less than that. So, if you want to definitely go with any of these as per your choice, and the best part is the cost is even less.

this is not hence we take simple commitment from you that when you come to Vedantu you're not going to just put your money and let it sit when you even sow a plant a seed you have to take care of that seed right so how the seed is going to bloom that depends on the soil that is Vedantu but you are going to bloom so make sure when you come to Vedantu you are attending 75 percent more than that classes and the assignments and test as well if you do so our promises assured improvement not taking it take the money back that is the confidence we have in and there are two batches coming on 30th of August that is gone right now and 13th of September and this is for those people who are seeking long term or the term one preparation in one go. So make sure you're not missing on this. There are foundation batches as well. Do use the link code and be a pro be on my side.

So, दादाजी कैसे हैं जानकी सोनी कैसी है दादा आज कोई नहीं आया ना अर्पण नव्या सिमरन बच्चे सबके स्कूल्स ओपन हो गए साक्षी एवरी स्टूडेंट स्कूल ओपन राइट यस अदर देन यू नाउ ओनली टेलिंग वेरी गुड थे मत आना मेरे साथ में बता दूंगी मैं तुम्हें कट्टी भावना डू यू नो मालविका यस बच्चे आई डेफिनेटली नो मालविका विच मालविका मालविका इज वन ऑफ माय फ्रेंड शी इज इन यूएस राइट नाउ मैम आपको देखा तो कुछ समझ नहीं आया ओके हाय मैम आपको देखा तो ये जाना सनम ओ सो स्वीट क्यूट टफ मैम आपने नौ बजे स्कूल क्यों की क्यों ली नौ बजे स्कूल क्यों ली वॉट यू मीन बाय बजे स्कूल क्यों ली दादी जी मुझे कहानी सुनाओ अरे मेरे को कहानियां सुनाना बहुत पसंद है डोंट वरी किसी दिन कहानियों का क्लास करेंगे okay, मालविका माल, माल माल ओ मालविका फॉर फॉर अभिषेक सर की शादी आई डोंट नो यार उनको तो मैंने पहले भी द्रौपदी का वो दे दिया ना ही द्रौपदी यू you नो know इज द्रौपदी पंचाली महाभारत में दर इज अरेक्टर हु

that is it that is it 65% is the target 65 is the target and if you get 65 and above shilpi ma'am i am I'm calling if you get less than 65 you are spamming ma'am bhavna ma'am misses you okay okay so people let's start in 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and one time is up. We are going into the mentee. Let's see, people. The first in an object moves, the dash is kinetic energy. Will it be more or less none of the above, all of the above? Come on, so easy, people. So easy. Oh, that's so sweet. Come on, please tell whether you teach foundation. No, Bharat, I do not, baby. I told you. Come on, come on, come on. What do we call AKR survive? AKR survive. अभिषेक सर की बीवी को क्या बुलाओगे यार उनकी बीवी भाभी <laughs> अभिषेक सर की बीवी को भाभी सिंपल सो पीपल पीपल क्या क्या बात है? People, क्या बात है है मतलब आज मैं हारने वाली हूँ कमॉन पीपल गलत करो वट हैपनिंग टू यू वट हैपनिंग टू यू हाँ

you change my name no sorry i'm so sorry by chance it happened so if you click on any name it's change name changes i love akr sir more than my girlfriend <gasps> does your girlfriend is like is your girlfriend looking the session <laughs> so sweet yaar tum log But it doesn't have a foundation channel yet but it's a good idea so i'll discuss it with uh, your favorite abhishek uncle okay

वैसी सी सी आई हैव लर्नड वन थिंग इन माय लाइफ इफ यू कांट लाफ ऑन योरसेल्फ यू हैव नो राइट टू लाफ ऑन अदर्स इफ यू कैन मेक फन ऑफ योरसेल्फ ठीक है थोड़ा बहुत दूसरों का भी कर सकते हो बट टिल द पॉइंट यू आर नॉट हर्टिंग देम इफ यू आर हर्टिंग एनीवन इट्स नो फन दैट इज इट सो येस आई लव कॉलिंग अमृतसर अमृतसर सो सॉरी आई लव कॉलिंग शिलनाया आर्मी ऑल द टाइम बट इफ दे आर ओके ओनली देन इफ दे आर नॉट ओके देन आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट हेट ऑल ओके कम ऑन सिक्स क्वेश्चन आउट ऑफ सेवन यू गाइस आर डूइंग गुड लास्ट टू क्वेश्चंस लेट्स सी कैन यू मार्क्स 765 फॉर बाबा नॉट अ मास इंक्रीजेस सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस डिक्रीजेस स्टेज़ द सेम और कांसे सुपर इजी क्वेश्चन इट इज कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन पीपल सुपर इजी क्वेश्चन इट इज इफ दी मास इंक्रीजेस दी काइनेटिक एनर्जी लव यू टू पीपल भाई लोग भाई लोग वू व्हाट हैपेंस टू दी काइनेटिक एनर्जी इफ दी मास इंक्रीजेस

Okay, so people, Next question and last question of the mentees coming after this leaderboard. Who is made to the leaderboard on the top? एक यार सर, एक यार सर, एक यार सर, is the buthanka? नहीं नहीं। Saint Elmo, QDP, Viraj, Sanjay, Gayatri, Maria, Emreel, Shivam, Feeling, Saksham, Jesse, कन्नी, वैसी Burbing, coming to Dehradun for Alexa. Priyal, this is you and I know this is you. I know this is you. I definitely know this is you. So you want me to call Amrit sir? Everyone wants me to call Amrit sir, so it's okay. We will call Amrit sir, but he's going to kill me. क्या भावना मैम क्या हमेशा जब देखो फोन करके उठा के कॉल कर देते हो कोई बात नहीं It's Chintu sir versus you and Shilpi ma'am versus her. It's already leaked. Oh my goodness! How do you get all this? How do you get all this? हाँ huh? गुमराह करेगी मगर तुम आधार कार्ड पर ध्यान देना <laughs> Okay, so what is the formula of kinetic energy? Last question. It's MV, MV square. It's MV, MA upon M, uh, v, M to the power of 2V or half MV square. Come on. What is it? Come on, 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 come on. No, I'll not marry him. Bache, <laughs> because I'm more happy here. I was not happy there. That is it. That is the only reason I left. Ma'am, it's tin to serve versus you. Yes.

Amrit sir or Shilpi ma'am. Now the war should be in the heart. So it's Taint Elmo. I'm so sorry. I uh, galti se switched your name. There is Cutie by Viraj. It's Sanjay Maria. I cannot see that name. Mr. Shivam. Coming to Dehradun, Priyal, AD Pro laga dala to like jingle lala. Make sure you guys are wishing a noob sir and Suryansh AKR Pro. Super people, let's get back to our थिंग एंड लेट सी हुम वी आर कॉलिंग टुडे मेरा भी मन है यार किसी से बात करने का जल्दी बताओ किसको कॉल करना है जल्दी बताओ एंड सबसे पहले लाइक करो सबसे पहले लाइक करो कितने लाइक है अभी तक सिर्फ सिर्फ और नाइन लाइक्स दिख रहे हैं मुझे ऐसे कैसे हो सकता है सबसे पहले लाइक करो सो ग्रीन हार्ट गोज विद अमृत सर रेड हार्ट समबडी एल्स ग्रीन हार्ट ब्लू हार्ट ग्रीन हार्ट ब्लू हार्ट ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू कम ऑन फिल इट विद ब्लू शिल्पी मैम इट शिल्पी मैम सी एके आर सर को मैं कभी कॉल नहीं करने वाली मैं बता चुकी हूँ नो कॉलिंग टू ए के जानकी को सब चाहिए एक मिलेगा इतने में इतना ही मिलता है ठीक है लेना यार बहुत बेस्ती होती है आज कल ओह हो अभी मेरी और सच में बेजती होने वाली थी मैंने ना जियो वाले कॉल से कर दिया था ओके <laughs> okay. शिल्पी मामिटस ओके हाय मैम हाय मैम हाउ आर यू आई एम गुड कहाँ हो आप इतने दिन से गायब हो गए हो नाराज हो नहीं पक्का, पक्का। यार देखना बात ही नहीं करते हो आजकल आप मुझसे नहीं नहीं आप आप बिजी रह लो बर्थडे के बाद आप इतनी हो गए थे बर्थडे के बाद बा... मैं बिजी हो गई थी मैं काम बिजी हूँ मैम उतनी वही हूँ ना मैं कहीं ली ना गई आप बात ही नहीं करते हो बस अनन्या सर को बर्थडे विश करा मैसेज भी नहीं देखते आजकल तो आप कहाँ करते हो आप बस बताओ कहाँ करते हो मैंने इतने सारे मैसेजेस करे आपने एक का भी रिप्लाई नहीं करा नहीं, नहीं, तो है, मैं पे भी रहती। <laughs> अच्छा मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताऊं अभी मेरा लास्ट सेशन हुआ था अमित सर के साथ ठीक so, है सो वी प्रैंक कॉल्ड अनन्या सर एंड हमने अमित सर को क्या बनाया पता है हाँ, मेरे को मैंने देखा वो मेरे पास आ गया था

मिले थे ना यहाँ पे वापस से तो उनको पता है कि पापा से बात नहीं करेंगे जैसे करें थे ओहो तो हमें पहले आपसे पूछ लेना चाहिए था कि आपके पापा कैसे बात करेंगे <laughs>

चलो सबको हाय बोल दो मैम एक बारी हां हाय एवरीवन थैंक यू सो मच सो वी विल बी कमिंग टूगेदर जल्दी से ठीक है मैम बहुत दिन हो गए कुछ साथ में नहीं करा हमने ठीक है मैम हां हम फिर से ना अगले हफ्ते करते हैं अगले हफ्ते ठीक है तो अभी से हम बता रहे हैं शिल्पी मैम को एकदम पकड़ के ले आएंगे घर से ठीक है चवाटी थैंक यू मैम बाय-बाय टेक केयर ओके तो हो गया हो गया कॉल खुशी हो गई मजे आ गए मैंने बात कर ली बहुत प्यार से बात करी है मैं अच्छी शरीफ बच्ची हूं मैं नहीं हूँ अभिषेक अंकल की तरह कि क्या ही बात करे आपसे हट हट नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ अभिषेक अंकल की तरह ओके सो स्वीट यार पीपल टेक केयर बाय बाय हैव अ गुड गुड डे एंड यस डू लाइक डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट बो गेट द कोड इज बी ए प्रो विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे एंड दिस अ सुपर 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 स्मार्ट क्वेश्चन सो लेट्स सी हाउ मेनी पीपल कैन फिल इन द कॉमेंट सेक्शन विद द राइट आंसर विच हैज अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन कैनेडिक द मार्स और दिलासफी Think of the formula and then write in the answer. I'll see you in the next class. Take care, people. Keep smiling, keep rocking, and keep learning. Bye bye.